गरियाबंद जनपद पंचायत के सभी सदस्यों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सहयोगात्मक रुकना का विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात करते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को तत्काल हटाने की मांग करते हुए पत्र सौंपा, जिस पर जल्द ही कार्रवाई करने की आश्वासन भी दिया गया। वही केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के संबंधित पत्र पत्रिकाएं कैलेंडर का वितरण न करने से आम लोगों तक जनहित की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। जनपद पंचायत सदस्यों का कहना है कि पिछले 4 माह से प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ है, किंतु वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली सामान्य सभा की बैठक आहूत नहीं की है। हमारे जनपद पंचायत गरियाबंद में जो सीएम मैडम है, तो उसके द्वारा हम लोग बात करते थे समाज सभा की मीटिंग के लिए, तो मीटिंग नहीं करती है और साथ ही साथ बिना सामान्य प्रशासन का मीटिंग किए बिना राशि का आहरण भी कर लेती है। साथ ही साथ प्रति कोई भी पंचायत का कोई भी काम रहता है या उनको मिलना है तो वो समय भी नहीं देती। हम लोग अपने क्षेत्र में जो शासन का योजनाओं का जो जानकारी है वो नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हमें जनपद मीटिंग हो नहीं रहा है समय सभा का, और इसलिए हम कलेक्टर साहब से सीओ को हटाने के लिए कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी गतिविधि है उस संबंध में जांच करता हूँ, उसके बाद मैं तत्काल से हटाने का प्रयास करूँगा। हम लोग सहनशक्ति अब जवाब दे दिया, इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। सब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैडम को होना चाहिए कि सभी चीज़ से अवगत कराते हुए सभी को सांस में लेते हुए हमको चलना चाहिए, लेकिन मैडम का रवैया हमारे प्रति थोड़ा सा रुखा है, जिसके कारण से हमने कलेक्टर सर के पास आना पड़ा। और अभी हम लोग चाहते हैं कि वो हमको साथ में लेके चले, लेकिन मैडम का रवैया हमारे साथ ठीक ठाक नहीं है, इसी कारण से हम कलेक्टर सर के पास आए। हाँ, ये अभी हमारे जनपद अध्यक्ष गरियाबंद और सदस्य लोग जो आए हुए थे, तो उनका कुछ सीओ जनपद पंचायत गरियाबंद से कुछ शिकायतें हैं कि मतलब जो व्यवहार है या जो उनका भुगतान उगतान के संबंध में या जो कार्य हैं कुछ पेंडिंग वेंडिंग रहते हैं, इस संबंध में उन्होंने एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में इसमें तत्काल जो भी जांच करके इसकी कार्रवाई करेंगे।